एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है आशु, आशु विचार टेक्निकल कोर्ट में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, दिवाली आ रही है और मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ चुके थे, काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ चुके थे कि भाई दीपावली की वीडियोस कब आएंगी, और दीपावली के लिए काफ़ी कमाल कमाल की वीडियोस आप लोग के लिए मैंने प्लान करके रखी हुई हैं। तो आज हमारी दीपावली सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है, और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं दीपावली के लिए एक डेकोरेशन लाइट, जो कि काफ़ी कम खर्च में मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। और अगर यही लाइट आप मार्केट से लेने जाते हो तो वहाँ पे आपको 500 से 1000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और ज़्यादा ही इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन आज आप काफ़ी कम प्राइस में इस लाइट को बनाना सीखेंगे, और काफ़ी कमाल तरीके से इफेक्ट करती है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल सेट कर लीजिएगा। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी दिवाली की इस डेकोरेशन लाइट को बनाते हैं। सो गाइस, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 5mm की LED। यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हो काफ़ी सारे LEDs हैं, ठीक है, और इनको मैंने अलग अलग डिवाइड करके रखा हुआ है, जैसे कि ग्रीन, रेड और ब्लू, ठीक है। अलग अलग कलर मैंने पहले ही चेक करके और इनको मैंने डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे मैं एक एक कलर की 10 LED का यूज़ कर रहा हूँ, तो टोटल यहाँ पे हम 30 LED यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास ये 30 LEDs हैं, जैसे कि यहाँ पे रेड, ब्लू, ग्रीन की 30 LED मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। इनके जो नेगेटिव वाली लेग है आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके जो ये छोटी वाली नेगेटिव वाली लेग है, तो सारे LEDs के हमारे 30 LED हैं। तो सारे 30 LEDs के नेगेटिव को हमें आपस में कॉमन कर देना है, पॉजिटिव को हमें खाली छोड़ देना है, सिर्फ नेगेटिव को आपस में कॉमन कर देना है। जैसे LED हैं तो इनके नेगेटिव को आपस में कॉमन कर देना है। तो इनके तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट लगा के रखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से मैंने 10-10 सेंटीमीटर में मैंने छोटे छोटे कट लगा के रखे हुए हैं, जिससे कि हम यहाँ पे सारे LEDs को बराबर दूरी पे लगा सके। तो ये जो ब्लैक वायर है, यहाँ पे हमको जो कट हमने लगाए हुए हैं, यहाँ पे हमको नेगेटिव वाले पॉइंट को सोल्ड करना है। तो फटाफट से मैं सारे LED के नेगेटिव को इस वायर पे सोल्ड कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने छोटी सी एक बैटरी ले ली है इनको चेक करने के लिए, ऑलरेडी सब कुछ चेकेड है, लेकिन यहाँ पे कैसे आप कनेक्शन करने को मैं समझा देता हूँ। पहले आपको रेड लेना है, उसका नेगेटिव सोल्ड करना है आपको वायर में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लू लेना है, ब्लू का नेगेटिव दूसरे पॉइंट पे सोल्ड करना है, फिर ग्रीन लेना है और ग्रीन का नेगेटिव तीसरे पॉइंट पे सोल्ड करना है। उसके बाद फिर से रेड आएगा, फिर ब्लू आएगा, फिर ग्रीन आएगा, इस तरीके से आपको सोल्ड करना है, ठीक है। आपको लगातार सिंगल कलर ऐसे सोल्ड नहीं करना है, आपको मिक्सअप कलर बनाना है, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, कलर को चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से पहले सारे नेगेटिव्स को सोल्ड कर देते हैं। RGB हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है बेसिकली, और इसी तरीके से जैसे हमारी यहाँ पे 3 LED खत्म होंगी तो फिर से रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, उसके बाद फिर से रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, इस तरीके से पूरी मैं यहाँ पे LEDs को सोल्ड कर लेता हूँ फटाफट से, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। 300 के नेगेटिव को मैंने कॉमन कर लिया है, और यहाँ पे मैं 3 अलग अलग कलर के वायर का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि ये रेड वायर है और ये ब्लू वायर है और ये ग्रीन वायर है। इसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमने 3 कलर की LED का यूज़ किया हुआ है, जैसे कि रेड, ग्रीन और ब्लू। अब हमने नेगेटिव तो कॉमन कर दिए हैं, लेकिन तीनों LED के पॉजिटिव हमको अलग रखने हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 3 चैनल बना रहे हैं, तो जितनी भी रेड होगी उनका पॉजिटिव अलग होगा, जितनी भी ग्रीन होगी उनका पॉजिटिव अलग होगा, और जितनी भी ब्लू LED होगी उनका पॉजिटिव अलग होगा। इसीलिए मैंने LED के कलर के वायर का यूज़ किया है, जिससे जैसे कि ग्रीन LED के लिए ग्रीन वायर, ये ग्रीन का पॉजिटिव होगा, रेड के लिए रेड पॉजिटिव और ब्लू के लिए ब्लू पॉजिटिव। तो चलिए फटाफट से कनेक्ट करते हैं। अगर तो यहाँ पर रेड पॉजिटिव में मैं रेड कनेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं ब्लू के लिए पॉजिटिव के लिए यहाँ पे ब्लू वायर यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। जो ब्लू वायर है अब ये दूसरे ब्लू की पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगी, उसके बाद तीसरे ब्लू के पॉजिटिव, उसके बाद चौथी ब्लू की पॉजिटिव। इसी तरीके से सारे कलर के LED का हमको अलग अलग करना है। अब यहाँ पे ग्रीन LED आती है, तो ग्रीन का यहाँ पे पॉजिटिव हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं ग्रीन में ग्रीन की पॉजिटिव कनेक्ट कर देता हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने तीनों की पॉजिटिव के लिए 3 अलग अलग कलर के वायर का यूज़ किया, ठीक है। अब जो जैसे अब ये रेड वाली वायर है, तो अब ये दोबारा ये दूसरी रेड में जाके कनेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जो उसके बाद फिर से जो रेड आएगी उसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगी। थोड़ी यहाँ से फंस गया ये, आपको ध्यान रखना है, ये बार बार फंस जाता है इस तरीके से। उसके बाद ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हमारे जो ब्लू वायर है वो ब्लू के पॉजिटिव के साथ, ग्रीन वायर और ग्रीन के पॉजिटिव के साथ, तो तीनों कलर के हमको अलग अलग पॉजिटिव रखना है। तो फटाफट से मैं सारे कनेक्शन करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारे कनेक्शन जो थे अपने कंप्लीट कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है लेवल पाइप, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हार्डवेयर के शॉप में इजीली आपको मिल जाएगा और काफ़ी सस्ता मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने 10mm वाला लेवल पाइप लिया है, ठीक है, और इतना ही आपको यूज़ करना है। अगर सेम मेरे तरीके से आप बनाते हो, सेम मेरी प्रोसेस का यूज़ करते हो, तो अगर आप 5mm की LED यूज़ कर रहे हो तो आपको कम से कम 10mm का पाइप लेना है, और आप आराम से इसके अंदर अपनी LED वगैरह सेट कर सकते हो। और इसके अंदर को पूरी अपनी झालर हमने जो बनाई है वो सेट करनी है।
अगर आप चाहें तो बिना पाइप के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं पाइप के अंदर सेट करूंगा। तो इसको जो दोस्तों मेरे पास ये कॉपर वायर है, तो सबसे पहले पूरे पाइप के अंदर इस कॉपर वायर को हमको डालना है, देन दोनों तरफ से हमको कॉपर वायर आर पार निकाल लेनी है, ठीक है। जैसे हमारी कॉपर वायर आर पार निकल आएगी तो एक तरफ हमारी जो झालर है उसको हमको इसके साथ कनेक्ट कर देना, फंसा देना है और अंदर आराम आराम से खींचना है, आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगेगा, लेकिन एकदम पेशेंस के साथ और आराम आराम से आपको खींचना है। देखो तो कुछ इस तरीके से, सबसे फटाफट से मैं पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से आपको पूरे पाइप के अंदर ऐसे ये कॉपर डाल लेना है, ठीक है। तो फटाफट से मैं इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करता हूँ और इसके अंदर मैं झालर भी डाल लेता हूँ, थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है, तो फटाफट से मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो मैंने इसको पाइप के अंदर सेट कर दिया है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सारी रेडी पाइप के अंदर सेट हो चुकी है और ये 8 mm का पाइप है जिसके अंदर मैंने इसको सेट किया हुआ है। और थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, एकदम आराम आराम से सेट करना है, नहीं तो यहाँ पे कनेक्शन टूट भी सकते हैं। तो ये पूरा पाइप आप लोग देख सकते हो, लगभग 10 से 11 फीट का, जो भी 10 फीट का पाइप है, और ये पूरा यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों तरफ से मैंने इसको ग्लू कल से पूरा एयर टाइट कर दिया है, जिससे कि इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। और ये हमारे इनपुट वायर है, जो कि ये ब्लैक वाली जो है नेगेटिव है, रेड वाली रेड की पॉजिटिव, ग्रीन वाली ग्रीन की पॉजिटिव और ब्लू वाली ब्लू की पॉजिटिव। यहाँ पे हमने इसको 3 चैनल का बनाया हुआ है। तो अभी यहाँ पे हमारा जो झालर वाला काम है वो तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर RGB LED का यूज़ कर सकते हो, आपको यहाँ पे चैनल वाला सिस्टम अगर नहीं करना है तो आपकी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। डायरेक्टली आप इसको पावर दीजिए और ये काम करने लगे। लेकिन अभी हम इसको कंट्रोलर बनाएंगे, जिससे कि ये पूरा अलग अलग मोड में काम करेगी और भी अच्छे अच्छे इफेक्ट हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके कंट्रोलर को बनाने के लिए सबसे पहले इसका हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स के लिए पास से मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ यहाँ पे PVC के पीसेस मैंने काट के रखे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ पीसेस यहाँ पे काट के रखे हुए हैं। काफ़ी छोटा सा एक बॉक्स हमको बनाना है, इसके अंदर पूरा हम इसका कंट्रोलर सर्किट बनाएंगे, जिससे कि ये काम करेगा। तो यहाँ पे ये 2 पीस मैंने काट के रखे हुए 7x5.5 cm के, उसके बाद ये 2.5 cm हाइट वाले पीसेस हैं, ठीक है। तो सामने के लिए और साइड के लिए मैंने यहाँ पे 2 पीसेस काट दिए। फटाफट से चलिए इसका पहले बॉक्स बना लेते हैं और उसके बाद आप जो बॉक्स है वो बन के कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर भी मैंने एक होल किया हुआ है और मैंने दोनों साइड एक होल किए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लगाएंगे इसमें एक ये सॉकेट लगाएंगे पावर देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया पावर देने के लिए। अब यहाँ पे एक मैं ये चेजर बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये एक चेजर बोर्ड है, ये DC चेजर बोर्ड है, 6 चैनल का चेजर बोर्ड है, लेकिन यहाँ पे हमने 3 चैनल का ही यूज़ किया हुआ है। और ये इसका पोटेंशियोमीटर, जिससे कि हम इसकी रनिंग स्पीड इफेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग इफेक्ट हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जंपर टाइप में दिख रहे होंगे, इसका मैं बता देता हूँ किस तरीके से। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 6 चैनल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अगर हम लगा सिर्फ 3 चैनल में लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ये सिर्फ ये 3 चैनल का है, तो अगर हम यहाँ पे 1, 2, 3 में लगा देते हैं तो यहाँ पे जो 4, 5, 6 में जब ये रनिंग करेगा या फिर इफेक्ट करेगा तो यहाँ पे हमारी जो लाइट है वो बंद हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 को हमने कनेक्ट कर दिया है 4 के साथ, 2 को हमने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे 5 के साथ, और 3 को हमने कनेक्ट कर दिया 6 के साथ। मतलब हमारी लाइट बंद नहीं होगी, बराबर इफेक्ट करेगी, ठीक है। 1, 2, 3 में भी करेगी और 4, 5, 6 में भी करेगी। इसलिए यहाँ पे मैंने जंपर लगाए हुए हैं और इस चेजर बोर्ड का हम यूज़ करेंगे। DC है ये, 4 बोल्ट से 12 बोल्ट तक इजीली काम करता है। और यहाँ पे कितने बोल्ट देने हैं वो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी पॉजिटिव नेगेटिव में पावर दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखो, ये जो एक पॉइंट जा रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट आपका जा रहा है, जो कि सारे ट्रांजिस्टर में कॉमन है, ये पॉजिटिव वाला पॉइंट है। उसके बाद यहीं पर एक पॉइंट आपको दिखेगा, 555 यहाँ पे IC लगी हुई है, यहीं पर एक पॉइंट दिखेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों पे हम पावर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर दिए हैं। अब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव वाली वायर को हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, जो हमारा पावर सॉकेट है। तो वायर को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ,
काफ़ी सिंपल कनेक्शन है और ये चेजर बोर्ड आपको इजीली लोकल मार्केट में मिल जाएगा। ये मुझे 30 या 40 रुपये मिला था, 6 चैनल का है, आप 3 चैनल का लेना ठीक है, तो वहाँ पे वो आपको और भी सस्ता मिल जाएगा। पावर दे दिया ठीक है, ये हमारा पावर सॉकेट यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे कनेक्शन करना है, तो देखो आप यहाँ पे जो मैंने पॉइंट निकाले हुए ना, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मैंने जंपर किया, तो मैं किसी भी, ये भी मैं 4, 5, 6 में कनेक्ट कर दूंगा, या फिर 1, 2, 3 किसी में भी कनेक्ट कर दूंगा। आपका 3 चैनल का रहेगा तो सिंपली आपको 1, 2, 3 में ही कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने जंपर किया, मैं कहीं पे भी कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमको कनेक्ट करना है पॉजिटिव, ये जो आउटपुट वाला एरिया है यहाँ पे पॉजिटिव हमारी LED का जो हमने रेड ब्लू ग्रीन यूज़ की है, और उसका निगेटिव यहाँ पे कनेक्ट होगा, निगेटिव कॉमन है इसका ठीक है। तो फटाफट से कर देते हैं, जो कंट्रोलर और हमारी जो झालर है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी आसान तरीके से मैंने बनाना आपको सिखाया है, और कुछ इस तरीके से जो आपको जो पोटेंशियोमीटर है उसको घुमा के आप इसकी जो रनिंग स्पीड है, रनिंग जो इफेक्ट है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ से आप पावर देना है आपको। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इस टाइम आप जो भी इलेक्ट्रिक अप्लाइसेंस चलाएंगे, दिवाली टाइम आ चुका है, अपने घर के डेकोरेशन में 4 चांद लगाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा सा बिजली का कंजप्शन ज़्यादा रहेगा। इस बात को हमने ध्यान पे रखते हुए इसको हमने DC बनाया हुआ है, आप इसे 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं। हालांकि ये छोटी है, लगभग 10 फीट की है, तो इसके लिए 5 वोल्ट इनफ है, तो आप इसको DC पावर से चला सकते हैं जहां पे बिजली कंजप्शन थोड़ा सा कम होगा। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। सर यहां पे सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है, आप यहां पे देख सकते हो, और पूरी तरीके से आप देखो इसमें पानी वगैरह अगर पड़ता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पाइप के अंदर पूरा पैक है, तो एक तरह से आप इसे वाटरप्रूफ बोल सकते हो ठीक है। और काफ़ी बढ़िया तरीके से देखो पूरा फ्लेक्सिबल है, अपने घर पर कहीं पर भी आप लगा सकते हो। और अगर यही आप ये पाइप वाले लाइट जो है मार्केट में लेने जाओगे, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। देखो मैं एक बार जब पता किया था काफ़ी टाइम पहले, 2 से 3 साल पहले, तो मुझे वहाँ पे सर 600 रुपये मीटर ऐसा कुछ बताया जा रहा था, मुझे करेक्ट ध्यान नहीं है। तो इसे आप काफ़ी कम प्राइस में बना सकते हैं। तो चलिए इसको पावर देते हैं और इसकी टेस्टिंग करते हैं। 5 वोल्ट का मैंने इसमें अडाप्टर एक बनाया हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बना के दिखाया है ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमको इसको देना है, और देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको पावर दे दिया है, ये ऑन हो चुकी है। अभी लाइट बंद करेंगे, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी स्पीड एडजस्ट करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको पूरा अंधेला करके टेस्टिंग करूँगा। तो देख सकते हो यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर है, यहाँ पे देखो ये पोटेंशियोमीटर भी सबसे कम में है। इसको जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, थोड़ा सा दूर से आप दिखा देना, ये जैसे जैसे मैं पोटेंशियोमीटर घुमाते जा रहा हूँ इसकी रनिंग स्पीड बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी प्यारा इफेक्ट आ रहा है, अभी मैं पूरा अंधेरा करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप चेक कीजिएगा किस तरीके से इफेक्ट आता है, और आप भी इसको बनाकर यूज़ कर सकते हैं काफ़ी कम खर्च में। Oh, 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 oh
और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और जल्दी मिलते हैं ऐसी एक कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।